हम सब जानते हैं। छज्जू भैया, हमने आपको फोन पे बताया था ना, अपार शक्ति युवा महासंगठन के प्रमुख। नेताजी का ये कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की आपके अंदर अपार क्षमता है, बहुत कुशल है आप, इसीलिए ध्वजारोहण के बाद प्रशस्ति पत्र देकर आपका स्वागत करना चाहते हैं, आपका सम्मान करना चाहते हैं। आइए आइए, ध्वजारोहण करते हैं। आइए आइए आइए। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य नेताजी, हमारे पार्टी के संरक्षक और युवा शक्ति के मार्गदर्शक छज्जू भैया जी स्वयं खुद यहां उपस्थित हैं हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए। सबसे पहले तो हम हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से छज्जू भैया जी को हमारा प्रणाम और उनका स्वागत करते हैं। क्या क्या नहीं किया है छज्जू भैया जी ने शहर के लिए और खासकर महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए चार चार महिला महाविद्यालय बनवाया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष 900 डायल की सर्वे शुरू करवाई। स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर महिलाओं से जुड़ी अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक लागू करने पर काम कर रहे हैं और अब यहाँ मौजूद हैं इस महिला थाने की महिला SHO हसीना मलिक को उनके हाल ही में किए गए कारनामे के लिए सम्मानित करने के लिए। क्या दुनिया इतनी बदतर हो गई है? क्या एक लड़की का घर से अकेले निकलना गुनाह हो गया है? और अब हम चाहेंगे कि हमारी SHO जी हमारे नेताजी के शुभ हाथों से प्रशस्ति पत्र स्वीकार करें, अपना और अपने थाने का गौरव बढ़ाएं। माफ कीजिए, लेकिन हम ये प्रशस्ति पत्र स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हम इसे डिजर्व नहीं करते। हम आज तक इस खुशफहमी में जीते आए हैं कि हमारी वजह से, हमारी टीम की वजह से, इस महिला पुलिस थाने की वजह से हमारा शहर महफूज है, हमारे शहर की औरतें महफूज हैं। वो बिना डरे, बिना सोचे, बेबाक होकर दिन के किसी भी वक्त, रात के किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती है शहर में। लेकिन अफसोस, ये एक बहुत बड़ा झूठ है, ये गलत है। हमारा शहर महफूज नहीं है और हमारे शहर की औरतें तो बिल्कुल भी महफूज नहीं है, और ये हमारा फेलियर है, और फेलियर किसी भी सम्मान को डिजर्व नहीं करता। हम ये सम्मान स्वीकार नहीं कर सकते। क्या DSP साहब, ये क्या हो रहा है? ये हमारे हाथ से सम्मान लेने से साफ मना कर रही है, हमारी आंख के आगे हमारी बेइज्जती कर रही है, और आप खड़े होकर के चुपचाप सब कुछ देख रहे हैं। छज्जू जी, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, बात ऐसी है ना कि मैडम जी, ये हमारे नेताजी का अपमान है। और नेताजी का अपमान यानी पूरे युवा अपार शक्ति महासंगठन का अपमान। ये अपमान बहुत भारी पड़ेगा आपको मैडम जी। हसीना मलिक, 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 हसीना मलिक। आप हमें हेडक्वार्टर में मिलिए। जी सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हसीना मलिक जी, आपने ऐसा क्यों किया? आप जानती हैं आपने वहां पर क्या किया? शहर के इतने बड़े पावरफुल नेता का सबके सामने आपने अपमान किया। उनका अपमान किया तो किया, आपने अपने आप को फेलियर बोलकर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को फेलियर बोल दिया। हम पूछते हैं, आपने ऐसा क्यों किया? हमने जो किया बिल्कुल सही किया सर। किस बात का सम्मान जब हम वो काम ही नहीं कर पाए जिसके लिए हमें सम्मान दिया जा रहा है। हम फेलियर हैं सर, क्योंकि हम अपने शहर की लड़कियों को महफूज फील नहीं करा सकते। हमारा शहर कितना अनसेफ है, इसकी जीती जागती मिसाल हम कल देख कर आए सर। एक लड़की जो इस जहालत का शिकार हुई है, उसने एक मिनट में हमें हमारी नाकाबिलियत, हमारी फेलियर का एहसास दिला दिया सर। सर, वो लड़की अकेली घायल सड़क पर पड़ी हुई थी और उन जानवरों को उस पर दया भी नहीं आई सर।
अगर इत्तेफाकन हम वहाँ से नहीं गुजरते तो वो तड़प तड़प के अकेली मर जाती और किसी को पता भी नहीं चलता। ये है हमारा शहर। उस लड़की की हालत देखने के बाद हम खुद को इंसान कहने के लायक नहीं है, हम खुद को आजाद कहने के लायक नहीं, और हमें कोई हक नहीं है वर्दी पहनने का। सॉरी सर। मिस मलिक, हम कर रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं। अब कोशिश से कुछ नहीं होगा सर, अब हमें ठोस कदम उठाने होंगे, सिस्टम और सजा दोनों में पुख्ता एक्शन लेने होंगे, तब जाकर शायद कुछ हो। सर आप सोचिए, अगर स्टाफ की कमी नहीं होती, सोर्सेस की कमी नहीं होती, तो शायद उस गली में पेट्रोलिंग हो रही होती, शायद उस बच्ची के साथ ये सब नहीं हुआ अब तक। जी मिस मलिक, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि होगा कैसे, क्योंकि लड़के तो भाग गए हैं, और जहां तक हमें पता है बल्लीपुरा से लेकर बेगम बाग तक कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं। हम उनको पकड़ेंगे तो कैसे पकड़ेंगे? एक आइडिया है हमारे दिमाग में सर, शायद बात बन जाए। आज पहली बार अपने पुरुष होने पर शर्म का अनुभव हो रहा है। अगर यही पुरुषार्थ होता है, इसी को मर्दानगी कहते हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अगला जन्म में चाहे हमको कुछ भी बनाए, कीड़ा मकोड़ा, लेकिन पुरुष ना बनाए। कहते हैं समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, लड़कियों को शिक्षित किया जा रहा है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया जा रहा है, मगर आज भी उन लड़कियों की यही दुर्दशा। दिखा तो देंगे पुष्पा जी उनको, लेकिन उनको बचाएगा कौन? कितना ही आप दरवाजा खोल लीजिए लड़कियों के लिए, लेकिन अगर हर दरवाजे के बाहर ऐसे घटिया नेता और उसके चमचों जैसे लोग घात लगाए बैठेंगे तो क्या कर लीजिएगा? दरवाजा खुलते ही लड़की बाहर आती, उसके अस्तित्व का ऐसे मर्डर कर देंगे, चीर देंगे ये ऐसे टोपा लोग। परवाज से पहले ही अगर परिंदे के पर काट दिए जाएंगे तो क्या खाक उड़ेगा वो, बताइए हमको। करिश्मा सिंह, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सबको यही लगता है कि लड़कियों को पढ़ा लिखा देने से, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर देने से, या फिर उनकी शादी करके उन्हें ससुराल भेज देने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन ये सच बिल्कुल भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चीता, पता है असली पुरुषार्थ क्या है? जब हर मर्द सड़क पर चलने वाली एक आम लड़की को अपनी जिम्मेदारी समझे। मौका नहीं। जिस दिन हर मर्द को ये बात सिखा दी जाएगी कि हर एक लड़की आपकी जिम्मेदारी है, हर एक लड़की को उसी तरीके से महफूज रखा जाना चाहिए जैसे आप अपनी घर की लड़कियों को रखते हो। बिल्कुल सही मैडम सर। वही सिक्योरिटी जब इस दुनिया की हर एक लड़की को मिलेगी, तब जाकर ये प्रॉब्लम जड़ से खत्म होंगे। सही कह रहे हैं मैडम सर। हम औरतों की सेफ्टी के बारे में कितनी भी बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि शहर के किसी भी गली में, चौराहे पे औरतों की छेड़छाड़ की घटनाएं हो ही रही है। कभी कभी तो ऐसे मन करता है ऐसे दो चार चूरन लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए, ताकि बाकी के जो मजनू हैं उनको अपने आप बात समझ में आ जाएगी। सुषमा जी। हाँ सुषमा जी, कहिए क्या हुआ? क्या हुआ मैडम सर? निया की माँ का फोन था ना, क्या सब ठीक तो है? हाँ हाँ पुष्पा जी, निया बिल्कुल ठीक है, लेकिन निया का डांस कंपटीशन का सेमीफाइनल राउंड है अभी एक घंटे में, और निया ने जाने से इनकार कर दिया है। उसने दरअसल सुबह सुबह वो छज्जू भैया की न्यूज देख ली और उसे पता चल गया कि वो उसके बारे में क्या क्या खराब बातें बोल रहे थे। वो सब सुनकर वो इतना ज्यादा टूट गई है कि वो घर से निकलने को ही तैयार नहीं है, और उसकी कॉम्पिटिशन अभी एक घंटे में है। नहीं मैडम सर, ऐसे सड़क छाप चूरन की वजह से कोई अपना सपना काहे तोड़ेगा, उनको सेमीफाइनल में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। हम निया को समझाने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से, अगर वो फिर भी नहीं मानी तो मैडम सर, तो एक आइडिया है हमारे दिमाग में, आइए बताते हैं। ओके क्लियर? जी मैडम सर। जी मैडम सर।
है कि तेरे बहुत ब्राइट चांसेस है इस कंपटीशन में। निया प्लीज लास्ट मोमेंट पर ऐसे गिव अप मत कर यार, थोड़ा हिम्मत कर, बट प्लीज फाइनल रिहर्सल मिस मत कर निया, तू चल मेरे साथ प्लीज। निया बेटा दरवाजा खोल। कहा ना नहीं जाना मुझे, जाओ तुम लोग यहां से, कोई कंपटीशन वॉम्पिटिशन नहीं जाना मुझे। देखा मैडम, जब से उस नेता ने टीवी पे इसके बारे में बकवास की है ये बहुत डिस्टर्ब हो गई है, टूट गई है वो, हार गई है, अब कैसे पार्ट लेगी वो कंपटीशन में, और ऊपर से रिश्तेदार और आस पड़ोस सब उसी को गलत ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं कि रात को स्कूटी पे लड़की को जाने की क्या जरूरत थी, जाना ही था तो किसी मर्द के साथ जाती, अब कौन शादी करेगा निया के साथ, बहुत बदनामी हो गई है निया की। निया ये हम हैं S.H.O हसीना मलिक, देखो हमारी बात ध्यान से सुनो, हम तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन सिर्फ एक हादसे से तुम अपनी जिंदगी भर की मेहनत पर इस तरह पानी नहीं फेर सकती। निया हम जानते हैं तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ये बहुत बड़ा ट्रॉमा है, लेकिन तुम्हें हिम्मत करनी होगी, आज अगर तुमने हिम्मत नहीं की तो हम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारे लिए। निया हम तुम्हें अपने साथ लेकर जाएंगे और हम तुम्हें वापस घर भी छोड़ेंगे, मजा ले किसी की कोई रास्ते में तुम्हें कुछ कर पाए, डोंट वरी हम हैं, आओ बाहर। एक मिनट। हेलो चीता, अच्छा हमारी बात ध्यान से सुनो, जिन लोगों ने ये निया का डांस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है हाँ, उन लोगों से प्लीज बात करो, उन्हें पूरी सिचुएशन समझा, उन्हें निया की कंडीशन अच्छे से समझा, और प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करो कि वो इस कंपटीशन को थोड़ा एक दो दिन आगे बढ़ा सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं, प्लीज उन्हें समझाओ ये बात। ओके ठीक है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।